हाय गाइस, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं फिर से एक और ये न्यू व्लॉग में आपके साथ आ गई हूँ। और तो आज डेट है 28 दिसंबर एंड हम जा रहे हैं अपने मौसी के यहाँ। तो अभी मैं दिल्ली में हूँ, यानी अपने घर के बाहर ही खड़ी हुई हूँ। तो सब रेडी हो रहे हैं एंड अभी हम 1:39 टाइम हो रहा है एंड हम 2 बजे तक जाएंगे, गाड़ी आ जाएगी तो हम मौसी के यहाँ जाएंगे। एंड राइट नाउ अभी मैं दिल्ली में हूँ, फिर मौसी मतलब हापुड़ में रहती है। तो हमें वहाँ जाने में 2 घंटे लगेंगे, तो 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे और 2 बजे ही हमारी गाड़ी आएगी। तो तब फिर हम जाएंगे। अभी मैं घर के बाहर खड़ी हुई हूँ और एकदम से ना, मतलब मैंने पहले से नहीं सोचा था कि व्लॉग बनाऊँगी मैं, बट मैंने एकदम से स्टार्ट कर दिया। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या मुझे व्लॉग बनाना चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ, तो फिर मैंने एकदम से स्टार्ट कर दिया अभी। तो अभी मैं बाहर खड़ी हूँ, सब अंदर है, कुंजू बाका भी अंदर है, तो उनसे अभी आपको मैं बाद में मिलवाऊँगी। हम 2:10 पे निकले थे वहाँ से एंड पहुँच गए थे हम 3:40 पे। हाँ, 3:40 पे हम मौसी के यहाँ पहुँच गए थे एंड फिर हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया और अभी मैं कमरे में आ रखी हूँ। अभी सीढ़ियों के पास मैं खड़ी हुई हूँ। तो और राशि दीदी अभी स्कूल से आने वाली है, सॉरी कॉलेज से आने वाली है। वो अभी 6 o'clock के बाद आएंगी। एंड अभी हम सब बैठे हुए हैं, दोनों दीदी रूम में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, पापा अभी सो के उठे हैं। गाइस देखो, मैंने आज भी फिर से अपना फेवरेट जैकेट पहना था क्योंकि मेरा फेवरेट है ये, लॉन्ग भी है और मेरा फेवरेट भी यही है। एंड अभी जा रही हूँ मैं चेंज करने, सो अब मैं नेक्स्ट आउटफिट में दोबारा मिलती हूँ। सो गाइस, मैंने अपना ट्रैक सूट पहन लिया है। गाइस यहाँ पे बैठे हुए हैं दोनों दीदी। हेलो, दीदी पढ़ रही है। चलो चलते हैं बाहर। तो अभी मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ एंड गाइस अभी थोड़ा मैं क्या करूँगी। तो गाइस मैं बुक्स वगैरह लेकर आई हूँ, तो अभी मैं थोड़ी देर बैठ के पढ़ूंगी। देन अभी बनने वाले हैं, हाँ 6 बनने वाले हैं 20 मिनट में, तो आधे घंटे बाद दीदी आ जाएंगी, तो उनके साथ थोड़ा बात बात करेंगे, फिर मैं आपको व्लॉग में दिखाती रहूँगी। चलिए तब तक मैं आपको ना कुंजू बाका से मिलवाती हूँ, तो मैंने मिलवाया नहीं आपको। ये नहीं हमारे कुंजू बाका। चलो बाका की टोकरी सबको यहाँ बिठा दिया। जय माता दी। देखिए गाइस, राधे राधे। ये देखिए, ये रही हमारी लाडो। ओरे रे, चाले डग्गू को पीछे छुपा दिया। देखिए गाइस, मैं शिवश्री मिलवाती हूँ आपको। देखो, एक तो नहीं सब सेम सेम दिखते, तो मैं ना खुद कंफ्यूज रहती हूँ कौन से मौसी जी के कौन से हमारे। तो ना देखो, ये हमारे बाका, ये नौटी से कुंजू। नौटी नहीं है भाई, देखो मदद भी करते हैं बहुत बार जब मैं कुछ जैसे मदद मांगती हूँ। तो ये रे हमारे फिर से एक और कुंजू, देखो दोनों कुंजू। ये रे हमारे बाका,
देखो एक्चुअली ना ये ना जुड़वा जुड़वा भाई है ना, इसलिए इनका नाम शेम शेम है। इन दोनों का नाम है, ये रहे हमारे बाका, ये भी बाका, नहीं ये रहे बाका, ये दोनों कुंजू, और हमारी रही मेन राधो, राधा रानी। देखो सब पे दो दो नाम होते हैं, तो ना लाडो का भी नाम है राधा रानी और लाडो। ये बैठे हैं पांचों एक साथ बातें कर रहे हैं। ये रहे हमारे बिहारी जी, हुई श्रीकंज बिहारी श्री हरिदास राधा कृष्णा। तो अभी ना सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, पांचों बैठे हुए हैं। अरे ये वाली दादू भी तो है, हो गए छह लोग हो गए फिर सब बैठे हुए हैं वही ना, सारे बैठ के एक साथ खेल रहे हैं अभी। चलो हम चलते हैं बाहर, उनको खेलने दो, डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ मैंने एक चीज़ और देखी कि यहाँ पे ना मौसी जी के यहाँ पे यानी हापुड़ में यूपी में ठंड जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं है बट दिल्ली से ज़्यादा। तो अभी हम थोड़ा आज मतलब रेस्ट करेंगे, दीदी जब आएगी उनसे बातें करेंगे, फिर हम कल या परसों देखते हैं हम कभी भी। तो अभी हाँ एक और चीज़ मैं बताना भूल गई कि हम 4 या 5 डेज़ के लिए मौसी के यहाँ रुकेंगे, फिर हम वापस दिल्ली जाएंगे। तो हम अभी कल परसों में देखते हैं जिस भी दिन मार्केट वगैरह जाएंगे और स्कूल भी जाएंगे, एंड अगर टाइम मिला तो हम गांव भी जा सकते हैं। तो जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी बीच बीच में। अभी चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। देखा नहीं नीचे सीढ़ी कूद कर सुना। हाँ हाँ देखो, अबे यहाँ तो अंधेरा ही है। चलो ऊपर चले, सीढ़ी से ऊपर चल रहे हो। तो गाइस अभी हम आ रखे हैं छत पे ऊपर, और अभी मेरे साथ बहुत गंदा वाला प्रैंक हुआ है। मैं यहाँ से लाइट जलाने वाली थी और इसके ऊपर चढ़ के जाई थी, इन्होंने बोला कि नहीं ये नहीं गिरेगा, जैसे ही मैं चढ़ी नीचे गिर गया। अभी मेरे साथ बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है, गलत हुआ मेरे साथ, अन्याय हुआ। मैं इसके ऊपर खड़ी हुई लाइट जलाने के लिए और नीचे गिर गया। चलो फिलहाल आपको मैं दिखाती हूँ, आ जाओ। ये हे गाइस मिलिए दीदी से, कौन सी दीदी? नीतू दीदी। और गाइस मैंने आपको नोनू दीदी से नहीं मिलाया, ये भी हमारी नोनू दीदी। हाय गाइस, ये ब्लू लाइट है गाइस, ये लीजिए मोना दी से मिलिए। हाय गाइस, कुछ नहीं। तो गाइस यहाँ से हम जाते हैं ऊपर, भागो भागो भागो। हम नहीं मिलवाएंगे आपको, हमें मिलवाइए। आप एकदम भूत लग रहे हो लाइट की वजह से, इसलिए मत आओ। तो सेल्फी वाला मोड इसीलिए होता है, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे गाइस को हम दिखाने आए पूरी छत। तो गाइस हम यहाँ खड़े हैं, वैसे भी रात हो रही है बट यहाँ का व्यू फिर आप देखिए मज़ा आ रहा है, बट नीचे देखने में डर लग रहा है। तो ये हमारी दीदी शॉल लेके आ गई है, मोना दीदी, इनको क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। एकदम भूत लग रहे हो आप। गाइस पकड़ पकड़ाई खेल रहे हैं हम दोनों, ये हमको पकड़ रही है, पकड़ना। आ गई, कभी भी आ जा रही है पीछे से। चलो हम आपको भी दिखाते हैं, बट ये पीछे से आ जाएंगी दीदी।
नीचे ना जा रहा है फोन। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे और अभी हम यही वाली चीज को करने वाले हैं ट्राई। अभी हम बनने वाले भूत, मम्मी अभी हम भूत बनने वाले हैं। हाँ। तो हमको शॉल दे दो और दो चश्मा। तो गाइस हमने दो शॉल ले लिए, एक मुन्नी के पास आई और अभी हम करने वाले हैं ब्लैक। हो गए चश्मों का काम तो हो गया। चलो गाइस चले और अभी आएगा मजा। गाइस सच में हम कर रहे हैं। अभी हम भी पहनेंगे ये नहीं है क्यों बन गई। अरे बाप रे ये दोनों तो हो गए रेडी, अब मैं भी रेडी होने जा रही हूँ। लो ना एक लो तो चलिए रेडी होते। हे गाइस तो आज डेट है 29 दिसंबर एंड टाइम हो रहा है 4:30 शाम का। एंड कल रात हमने वहाँ पे छत पे डांस वगैरह करके थोड़ी शैतानी वगैरह करके पागलपंती करके हम नीचे आ गए थे। रात में दूध वगैरह पिया और फिर सो गए। फिर मैंने बनाया नहीं व्लॉग और उसके बाद सुबह मैं उठी और फिर मम्मी गई थी गाँव, तो मम्मी फ़ोन लेके गई थी इसलिए मेरे को अब फ़ोन मिला है और अब मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड अभी हम बैठे हुए हैं तो मैंने कहा चलो व्लॉग बना लेती हूँ। फिर अभी व्लॉग बनाया थोड़ा सा और अभी गाने सुनेंगे और ये बैठी दीदी। और मम्मी पापा अभी खाना खा लिया उन्होंने, तो अभी मौसी जी ने खाना दिया था हम दोनों को और तीनों अभी वो वाले कमरे में बैठे हुए हैं इधर वाली में। हाँ और यहाँ पर अंदर है दोनों दीदी बैठे हुए हैं, या फिर नहीं सॉरी मोना दीदी शायद, हाँ मोना दीदी उस वाले कमरे में सो रही हैं। यहाँ पे है तीनों, यहाँ पे है नीतू दीदी हमारी अंदर और हम बैठे हुए हैं बाहर। और हाँ आ जाओ आज मैं आपको कराती हूँ कुंजू पाका के दर्शन, क्योंकि आज थर्सडे है ना तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। पाँचों बैठे हुए हैं अंदर पाँचों एक साथ, देखो दिखाते हैं ये बैठे हैं सब हमारे दोनों बाका एक साथ, दोनों कुंजू एक साथ, इधर लाडो यहाँ पे भी लाडो पीछे जग्गू और बोले भी आ रही थी राधा कृष्णा। ये तो हम ये रहे सूर्य दीदी अच्छा ठीक है गाइस। तो दोनों दीदी सो गई हैं और मौसी जी एंड मम्मी एंड पापा वो भी बात कर रहे हैं, पापा ने अभी भी खाना खाया है और दोनों दीदी और मैं बैठ के गाने सुन रहा दोनों। ये हाँ गाइस आज मौसी जी ने कढ़ी चावल बनाए थे और कल रात में क्या बनाया था पता नहीं भूल गई मैं। अभी मौसी जी ने कढ़ी चावल बनाए थे वो खाए थे और अभी थोड़ी देर बाद चाय पियेंगे, फिर उसके बाद हम अगर कुछ ऊपर फिर से जाएंगे छत पे कुछ रील वगैरह बनाएंगे तो दिखा दूंगी वो भी। तो अभी मिलते हैं बाद में, बाय बाय। सो गाइस अभी मैं बैठी हुई हूँ कमरे में, मतलब लेटी हुई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 8:21 एंड दूसरे कमरे में, दूसरे वाले कमरे में नोनू दीदी मम्मी और पापा दोनों टीवी पे मेरे भैया है तो उनकी शादी की वीडियो देख रहे हैं। एंड मोना दीदी, नीतू दीदी, मौसी जी और मौसा जी चारों जा रखे हैं मार्केट। उन्होंने कहा कि तुम भी जाओगे लेकिन हमने मना कर दिया और मैं बैठे बैठे अभी यहाँ पर लेटे लेटे सॉन्ग सुन रही हूँ।
एंड अभी फिर मौसा जी और फिर चारों आएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर हाँ खाना खाने के बाद हम फिर से जाएंगे रील्स वगैरह बनाने के लिए। एंड तो मेरे को ना बहुत आलस आ रहा है वीडियो बनाने में, क्योंकि एक तो ना फ़ोन में स्पेस भी नहीं है, तो वो सेव भी नहीं होती बहुत बार वीडियो, तो बार बार चेक करना पड़ रहा है कि मतलब वीडियो सेव हुई है या नहीं हुई। और फिर अभी मैं लेटी भी हूँ, तो मतलब बीच बीच में बना ले रही हूँ, और अभी फिर बीच बीच में बनाती रहूँगी, अभी तो लेटी हुई हूँ, सॉन्ग सुन रही हूँ। तो बाय बाय। तो गाइस अभी आया पिज़्ज़ा और हम खा रहे हैं, पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है यहाँ पे। और मोना जी ने बहुत सारे सामान भी लाई है, देखो बहुत सारे कप लाए हैं, मैं भी आपको एक एक करके दिखाऊंगी। देखो ये देखो गाइस, और ब्लैक क्लोवर मेरे लिए दीदी ब्लैक वाला लाई है, वो अभी कमरे में रखा हुआ है। एंड दीदी देखो बच्चों की तरह ना मेरे लिए छोटे बच्चों वाला जोमेटो ले आई, और प्यार से लेकर मैं भी आपको वो भी दिखाऊंगी। तो दीदी जोमेटो लाई है, और अभी मैं खा रही हूँ पिज्ज़ा, मैंने अभी खाया भी नहीं, टेस्ट नहीं किया। और दीदी ये सब सामान लाया है, और मैं अभी अभी आई, मैंने कुछ नहीं देखा कप के अलावा, और ये जोमेटो के अलावा एंड चॉपस्टिक के अलावा, अभी आपको दिखाऊंगी। लो गाइस पिज्ज़ा खा लो, पिज्ज़ा खा लो, पिज्ज़ा खा लो। तो गाइस अभी हमने खाया था वो पिज्ज़ा, एंड अभी ढोकला भी खाया था हमने, ढोकला रखा हुआ है। एंड अभी हम पेस्ट्री खाएंगे, अभी भोग लग रहा है कुंजू बाका को, देखिए गाइस। तो गाइस मोना जी ना मुझसे नाराज हो रखी है कि वो मतलब ये जोमेटो लाई है ना, ये देखो दीदी जोमेटो लाई है, तो मैं कह रही थी कि अरे बच्चों वाली जोमेटो लाई है, मम्मी ने भी कहा कि ये बच्ची रहेगी, तो मम्मी ने ऐसे बोला, और मैंने कहा बच्चों वाली जोमेटो ले आई उठा के। दीदी इसलिए मुझसे नाराज हो रखी है, कह रही थी अब जो मैंने लाई हूँ ना वो भी नहीं लूँगी, अब दीदी मुझसे नाराज हो रखी है, कह रही मैं तो उससे बात नहीं कर रही। और हाँ दीदी मेरे लिए, मैं तो यहाँ बैठी हुई थी कोने में, कोने में बैठी हुई थी, और वो रतन लाइव आ रखी थी, तो रतन की लाइव देखने में लगी थी मैं इंस्टा पे। एंड अभी अभी दीदी मुझसे नाराज़ हो रही है कि वो मैं उनके उसके कह रही हूँ कि बच्चों वाले लाइए, तो अभी दिखाती हूँ। और दीदी मेरे लिए ब्लैक कलर का कप भी लाई है, ब्लैक कलर, अभी मैंने ब्लैक ही पहना है। मैं यहाँ एक कोने में, देखो यहाँ पे नीचे बेड है पूरा, लेकिन नहीं मैं एक कोने में यहाँ बैठ के रतन की लाइव देखने में लगी थी, दो मिनट के लिए तो आई थी लाइव। फिर अभी पेस्ट्री का भोग लगा हुआ है, एंड चारों नहीं पांचों खाएंगे अभी पेस्ट्री, देन हम पेस्ट्री खाएंगे, फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कुछ नहीं देखा कि क्या सामान लाया है, मार्केट गए थे चारों, चलो दिखाती हूँ आपको। बाय द वे गाइस मैंने ना खुद ने अभी तक मतलब ये खोला ही नहीं, देखा ही नहीं, बस यहाँ से देख लिया कि अच्छा ये कुछ वो है मतलब बच्चों वाला है, खिलौने वाला है, चलो देखते हैं। और मोना जी का फेवरेट कलर वैसे वो क्या बोलेंगे, वैसे ब्लू नहीं पर्पल कलर का है वो, तो दीदी को दीदी अपने लिए वैसा वाला लाई है, ये देखो ये है, मैंने देखा ही नहीं कैसा है ये, रुको देखती हूँ। तो गाइस अभी मेरी ट्यूबलाइट ऑफ रखी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कैसे है, कैसे खेलना है, बस हाँ इतना पता है गोल वगैरह लगेगा इसमें ठीक है। और अभी खोलते हैं, चलो। ओ भाई ये क्या है, ये क्या है भाई, ये कौन सा सिस्टम है गाइस देखो चॉपस्टिक से खा रहे हैं, ये देखो गाइस, और ले ले बेटा ये नहीं हमारी मौसी जी, मौसी जी राधे राधे बोलो, राधे राधे, मिर्च दे दो पार्टी हो रही है गाइस। ये देखो चॉपस्टिक से खाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ इन्हें आता भी है, हाँ गाइस मैं दिखा नहीं, ये देखो एक किंग वाला कप है, ये देखो जरा मेरे को ये बताओगे ये कौन सा सिस्टम है भाई, बड़ा वाला मिलता है, हाँ जी ये कौन सा सिस्टम है, लॉक कोड 235 दबा फिर जाके मेरे को खाना, मैं ऑन करके देता अभी अभी हो रहा है इसका वो अनबॉक्सिंग हो रही है इसकी, चलो। हाँ गाइस अब समझ आ गया, मैंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं था, ये इसमें लॉक कोड भी हुआ यार, दीदी मस्त लाई है, चलो इसका लॉक कोड है 235 अरे यार समझ ही नहीं आ रहा 235, ये दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा, इतने सारे नंबर दे रखे हैं 235 खुल जा। एक तो ना गाइस मैं सच बता रही, मैं मतलब जोमेटो वगैरह यूज़ नहीं करती ना, पाउच वगैरह में ही लेके जाती हूँ सामान भी, तो इसलिए मेरे को नहीं पता है इसे कैसे खोलते हैं, बट अभी ट्राई कर रही हूँ, वरना नहीं खुलेगा तो दीदी से खुलवाऊँगी।
गाइस किसी को बताना मत इसका पासवर्ड, ठीक है? 235 ये इधर होता ही नहीं है, खिसक ही नहीं रहा, ऑन ऑन वाली साइड में जा ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? यहाँ पे भी कुछ लिखा है ना, मूव अप 235, इनको नीचे करो, ऑन नहीं हो रहा। इसमें लिखा है मूव अप, तो मैंने अभी तो किया 235। ये क्या गाइस, मेरे दिमाग में कुछ नहीं। ओ भाई साहब, गाइस मेरे को सबसे अच्छी चीज़ रखी, मेड इन इंडिया। ओए होए, मेड इन इंडिया, वाह भाई। चलो गाइस, अब मैं ना मेरे से खुल नहीं रहा, उन्होंने जी से खुलवा के जाएंगे राशिदी से। गाइस खोल दो, हमसे नहीं खुल रहा। ये देखो हमने कब गाइस, मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता बिल्कुल भी। रुक दो, मैं उधर आ रहा हूँ। चलो गाइस यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। ये इस तरीके से धरोगा और फिर ये ओपन होगा। जब मैं उतनी देर से इसे उधर कर रही हूँ तो हो कैसे नहीं रहा, मेरे हाथ से तो नहीं हो रहा ये। हो गया गाइस, वाओ वाओ ब्यूटीफुल। खेल लो, इनका तो पता नहीं, हम अपना एक चुरा के इनका लेके चले जाते हैं मोना जी को बिना बताए। छोटे बच्चे हैं ये, चलो हम मोना दीदी वाला खोलते हैं। चलो गाइस इसे खोले। मोना जी का फेवरेट कलर ये है, इसको कौन सा कलर बोलते हैं, पर्पल। देखो इनका, मेरे वाले का 235 है कोड, इनका 236। आपको इसमें उल्टा दिख रहा होगा ना। ओह गाइस हम फंस गए, मोना दीदी आ गई। दीदी अभी देखो ना गुस्सा कर दी थी। चलो मोना दी का खोलने की कोशिश करते हैं। 236 ऑलरेडी वो है, इनका तो इजी खुल गया, मेरा तो नहीं खुल रहा था। मेरे साथ अन्याय हुआ है, बहुत गलत बात। देखो इनका भी चिपका हुआ है, ये देखो इनका इजली बंद हो गया, मेरा वाला थोड़ा टाइट है, कोई बात नहीं। गाइस आपका फेवरेट कलर क्या है मुझे कमेंट में बताना, बिकॉज मैं तो ब्लैक लवर हूँ और इसलिए मेरे को दीदी बहुत डांटती रहती है, क्योंकि हर समय मैं ब्लैक 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 हर चीज़ को ब्लैक करती रहती। देखो और मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा मेरे लिए लाई है दीदी, कितनी अच्छी है। मोना दी ने लिया होगा, अगर नीतू दीदी होती ना तो नहीं लेती, क्योंकि वो बहुत गुस्सा करती है हर चीज़ में ब्लैक ब्लैक लेती हूँ। देखो कितनी अच्छी दीदी है, ब्लैक लिया है मेरे लिए। हेलो गाइस चाय पी लो, है ही नहीं अभी, सुबह पियेंगे। वैसे ना घर पे है ना, मैं अभी कुछ दिन पहले भी लाई थी। तो गाइस मैं घर पे भी लाई थी एक और कप अपने लिए न्यू, वो भी मैं ब्लैक ही लाई थी। अभी कुछ दिन पहले लाई थी और मेरे पास एक और न्यू आ गया। बंद नहीं हुआ दीदी, दवाई पी रही है बिकॉज दीदी को खाती रही है बहुत ज़्यादा, कोशिश जा रही है इसको बंद करने की। और क्या क्या सामान लाए हो? अरे ये देखो हमारा जूट सा कप, उतनी देर से कप ही दिखा रहे हो आप गाइस, और क्या दिखाएं, यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है। अरे गाइस ये वो भी तो लाए थे, ओवन लाए थे ना, वहाँ अंदर रखा हुआ है। गाइस ये नहीं हो रहा बंद, कोई बात नहीं हम इसके साथ खेलते हैं। वैसे खेलते कैसे, इस तरीके से इसको हाँ जी, अब बताओ कैसे खेलते हैं। ये वाली बॉल को इसके अंदर करते हैं, ये बास्केट जो दे रखी है इसके अंदर। कौन सी ये? ये वाली बास्केट। हाँ तो ये किस लिए, इसमें पॉइंट्स मिलते होंगे आप? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इनमें पॉइंट्स मिलते हैं, ये पॉइंट्स लिख रहे हैं यहाँ पे। ये देखो दो अंदर गई हैं, इसके अंदर दो रह गई। राशि दीदी है हमारी और मौसी जी से, मौसी जी शायद अंदर है। ओ भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ना, यहाँ पे किचन में हमारी मोना दीदी, ये ये अभी छोटी बच्ची हुई, छोटी बच्ची हो क्या, हम वहाँ पे वो आराम कर लें सब। गाड़ी चला, नुम नुम नुम। अरे भाई ओ
पापा पूरा पैक होकर गाइस न्यूज देख रहे हैं। वेरी गुड। और मौसा जी का है स्कूल? मौसा जी भी कुछ काम से बाहर गए हैं। अच्छा, अभी मौसा जी जा रखे हैं कुछ काम से बाहर। ये भी हमारी मौसा जी। मौसा जी 600 गाइस अभी जिद पड़ा हुआ है कि नहीं मैं बंद नहीं होऊंगा और ये बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा। अब मैं इसे बंद करके रहूंगी। डांस करने नहीं गए कब से बोल रहा हूँ मैं। मतलब मेरी ज्योमेट्री आपके पास आपको रखनी है? बताओ आपको रखनी है? नहीं, मुझे बंद करनी थी। आपको बंद करनी थी? मेरे को सिखाया नहीं, बंद करना सीधा बंद कर दी। ठीक है कोई नहीं, आप सिखा दो। हाँ जब वहाँ जाऊँगी, दिल्ली जाऊँगी ना, तो वहाँ पर मैं वीडियो कॉल करूँगी। हेलो दीदी, बंद कर दो इसे, फोन से भेजूंगी मैं। आप डांस करने पर जाओगे या नहीं? हाँ जी रील सुनाई थी। कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट आएगा। गाइस अभी हम वापस जा रहे हैं, आज भी छत पे जा रहे हैं। फिर से आज हम पागलपंती करेंगे, वीडियोस बनाएंगे। हे गाइस व्हाट्सएप, नहीं तुम्हें वीडियो में नहीं आना था ना, जाओ कट आउट। आ गई मैं। नहीं तुम वीडियो में, मेरे बिना तो वीडियो अधूरी है। और ये रे दो बंदर यहाँ पे है। शट अप। हाय गाइस। ये दीदी ने बाल बनाए। वो दीदी क्या कर रही है? मैं अपने बाल सेट कर रही हूँ। ये भी बाल सेट कर रही है दीदी। मैं भी तो कर लूँ, मेरे खुद के खराब हो रहे हैं। तो गाइस दीदी भी चल रही है मेरे साथ, आज मौसी जी भी चल रही है हमारे, अरे मम्मी है सॉरी, मम्मी भी चल रही है। दीदी आप मुझसे नाराज हो? मोना दीदी आप नाराज हो मुझसे? क्यों नाराज क्यों? ठीक है मैंने गाइस को दिखा दिया। गाइस ये रीजन है कि दीदी ना मुझसे नाराज है। मैंने ना रील्स बनाने के लिए, चश्मा लाने के लिए बोला था, लाए नहीं। आज नहीं चढ़ूंगा यहाँ पे, मैं कल चढ़ा था। मैंने अपने आप दिया। ये क्यों है? इस पे हम अटका देंगे फोन। दोबारा बोलो। गाइस हम छत पे आ गए हैं रील्स बनाने के लिए। हम कल की तरह पागल बन। हाँ गाइस अभी जा रहे हैं। ओए पागल हो, कुछ आखिर छोड़ के जा रहे हो? बोर्ड आ जाए। नहीं हमको डर नहीं लगता, हमारे पास हमारी तुलसी माला है। राधे राधे राधे। तो गाइस अभी हम आगे मुंह पर लेने एक ही आ जाते। गाइस मुझे लगता है कि ना जो भी हमने कल वीडियो बनाई थी ना, मैं उसको ना ये इसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि वरना कॉपीराइट आ जाएगा। क्योंकि हाँ उसमें गाने डालोगे तो कॉपीराइट आ सकता है। एंड मुझे ये कॉपीराइट वगैरह हटाना नहीं आता, कुछ नहीं आता। और मतलब इतना अच्छे से नहीं आता मेरे को, व्लॉग वगैरह बनाने भी नहीं आता। और यूट्यूब में जैसे कॉपीराइट वगैरह नहीं आ जाता तो वो भी करना नहीं आता, और ठीक करना नहीं आता मुझे। और हम ऐसे ही मतलब ना मस्ती मजाक करने में लगे थे ऊपर, मतलब ओके भूत आ गया। तो आखिरकार मैं नहीं गया, मोना दीदी गई अंदर। दीदी को बंद कर दे, यहाँ रख दे। तो गाइस हम इस पे रख के, उतनी जैसे मैं क्या बोल रहा था, इस पे रख के भी हम मतलब वो वीडियो बना सकते हैं। ये रहा, हम रील बनाएंगे ना, तो उसके लिए हर्ष भैया तो है नहीं कि हम चारों के एक साथ बना सके, तो इसलिए हम इस पे रख सकते हैं। इस पे डीजे के आगे भी रख सकते हैं, उस पे भी रख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये गुन्नू आ गई है। राधे राधे। तो गाइस ये जो आइडिया था ये हमारी दीदी का था, इनका नाम मुझे नहीं पता कौन है। गाइस यहाँ पे डांस चल रहा है अभी।
तो गाइस अब हम ना अंदर वाले रूम में आ गए गाने बजाने के लिए। ऊपर आ गए मतलब अंदर आ गए। दीदी आपका फोन कहाँ है?